हाय ऑल, वेलकम टू पम्मी दी रसोई। आज हम बनाएंगे पनीर की भुर्जी। टेस्टी टेस्टी इजी टू कुक पनीर की भुर्जी। और जब आपको कोई घर में सब्जी समझ ना आ रही हो क्या बनाना है और कोई मेहमान घर पे आने वाला हो तो मिनटों में रेडी। अगर आपके पास पनीर नहीं भी पड़ा तो आप दूध में थोड़ा सा दही डालकर उबाल लें तो उसका पनीर बन जाएगा। उसको आप स्ट्रेन कर लें पानी उसका अलग से, और मिनटों से कॉटेज पनीर से आप पनीर की स्वादिष्ट सब्जी तैयार कर सकते हैं घर में। इसमें थोड़ा सा ही टाइम लगता है बनने में। बहुत टेस्टी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डिश है ये, और हर कोई पसंद करता है इसको। और वेरी लाइट इन ईटिंग, खाने में भी बहुत हल्की होती है ये। तो आए शुरू करते हैं हम पनीर की सब्जी। सबसे पहले हमने गैस चला ली और उस पर कढ़ाई रख ली है, कोई भी पैन या कढ़ाई रख सकते हैं। उसमें आपने ये एक करछी रिफाइंड ऑयल जो भी आप यूज करते हैं आपने वो डाल दिया। इसको हल्का गर्म होने देंगे। ये हमने प्याज चॉप कर लिया है, दो छोटे प्याज हमने चॉप किए हैं 250 ग्राम भुर्जी के लिए, पनीर के लिए 250 ग्राम पनीर के लिए। और ये मैंने टमाटो और लहसुन का प्यूरी बना लिया है मिक्सी में। आप चाहें तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, आप काट भी सकते हैं, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, टमाटर के छिलके मुंह में नहीं आएंगे, मोटे मोटे टमाटर के पीसेज मुंह में नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने इसको प्यूरी बना ली है। बहुत बारीक नहीं बना, नॉर्मल मीडियम ही रखना है हमने। जैसे हम शाही पनीर के लिए बहुत ही उसको बारीक प्यूरी बनाते हैं वैसे नहीं बनानी है, सिंपल हमें नॉर्मल इसको ग्रेट करना है बस। तेल गरम हो गया है, अब इसमें ये प्याज डाल देंगे। इसे हम ये तरीके से आपको मैं भुना मसाला की रेसिपी भी सिखा रही हूँ। जब भुना मसाला हम बनाते हैं तो उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। ये प्याज आप और बारीक भी कर सकते हैं, ये आप टेस्ट पर डिपेंड करते हैं। ज्यादा बारीक जो है वो घुल जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। ये प्याज थोड़ा सा हम लाल होने देंगे। ये देखिए ये प्याज लाइट ब्राउन हो गए। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, एक छोटा स्पून। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ स्पून का साइज। हल्दी डालेंगे, मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए इतना ही मैं मिर्च डाल रही हूँ, और इतना ही मैं नमक डाल रही हूँ। नमक हल्का सा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब आप इसे हिला देंगे अच्छे से। इसमें एक चम्मच नमक डाला है, जो आपके घर में नॉर्मल स्पून होते हैं उसमें समझ लीजिए आपने एक ही फूल नहीं डाला है, एक समतल नमक डाला है, आधा हल्दी डाली है और आधी मिर्च डाली है। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। ये देखिए ये दो कच्ची हमने इसमें टमाटो प्यूरी डाल दी है, और हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। इसमें अपना पानी है, मॉइस्चर है, हल्का सा मसाला नीचे लग रहा था तो देखिए वो फटाफट ठीक हो गया है, क्योंकि हमने इसमें मसाले डाल दिए थे। प्याज जब अपना पानी सूख जाता है तो वो फिर नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो अब टमाटो से दोबारा इसमें मॉइस्चर आ गया है, और हम इसे फिर तेज पर थोड़ी देर पकने देंगे। हमने इसको सिंपल नहीं पकाना, हमने इसको तेज पर ही पकाना। 5 मिनट में आपकी पनीर की भुर्जी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये भुना मसाला कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितना अच्छा कलर आ गया है। कोई भी सब्जी बनाने से पहले आप जिसमें कटा मसाला डालना चाहते हैं उसे ये इस तरीके से उसे भुना जाता है। हर एक सब्जी में जिसमें कटा मसाला डलता है उसमें ऐसे ही मसाला भुना जाता है। ये मसाला भुनने की रेसिपी भी आपको समझ में आ गई। अब मैं इसमें पनीर थोड़ा सा बोर लूंगी हाथ से, और उसको फिर इसमें थोड़ी देर में मिक्स करती हूँ। आज तो मैंने इस मसाले की क्वांटिटी थोड़ी रखी है, अदरवाइज मैं इसका एक कढ़ाई भर के बाउल भर के मसाला बना के रख देती हूँ और फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। और जब भी मुझे कोई सब्जी बनानी होती है
कोई भी सब्जी बनानी हो जाए तो ये भुना मसाले का टाइम बनाने का टाइम सेव हो जाता है। और मैं सब्जी बनाने के बाद, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में जाकर देखिए, मैं उसे टेस्ट मेकर बोलती हूँ कि हम इस टेस्ट मेकर को हम बना के रख लेते हैं। और जब हम सब्जी, ऐसे मैंने जुकीनी की सब्जी बनाई थी उसमें भी मैंने टेस्ट मेकर डाला था, लोबिया बनाया था उसमें भी डाला था। तो आप ये उसमें उबाल के सब्जी को बनाकर उसके बाद उसमें टेस्ट मेकर मिक्स करके, चाहे वो सूखी सब्जी हो चाहे गीली सब्जी हो, आप इसको उसमें मैगी में भी यूज कर सकते हैं। आप इसको जब आप मैगी बना लें, आप ऊपर से एक स्पून इसका डाल लें और मिक्स करके गर्म गर्म खाएं, देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आएगा। ये मसाला बनकर रेडी हो गया है। हमें इसे पूरी तरीके से नहीं सुखाना है, हमें पूरा नहीं सुखाना, ताकि ये मसाला थोड़ा सा पनीर भी पिए। ठीक है, अब हम इसमें, ये हमने 250 ग्राम पनीर भोर लिया हाथ से, हम इसमें डाल देंगे। ये पनीर हम इसमें डाल देंगे, 250 ग्राम पनीर है। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको सारा मिला दिया इसमें। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ सिम पे ढक के रख दूंगी। हल्का सा पनीर में पानी होता है, वैसे मैंने मलाई पनीर लिया है, आप घर में भी दूध फाड़ के भी पनीर बना सकते हैं। जैसे आपको कॉटेज पनीर खाना है तो आप घर में भी कॉटेज पनीर कर सकते हैं। ये बन गया, इसको हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे, 5 मिनट बाद हम इसे देखते हैं। देखिए, पनीर की भुर्जी बनकर रेडी हो गई है विद इन 5 मिनट्स। सिम पर रखा था हमने इसको, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इसे गार्निश कर देंगे। और ये हमारी स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है मिनटों में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और इसे आप बनाकर देखें और आपको खाने में टेस्टी लगे, तो आप प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको मेरी कुकिंग टिप्स कैसी लगती है, इजी टू कुक लगता है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय।